गाइस आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल प्ले कंसोल में कैसे हम लोग हमारा एप्लीकेशन डालेंगे। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया गाइस, मिनिमम 35 मिनट का हो गया वीडियो। आप अगर देखना चाहते हो तो आप आके डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब में, और आके आप जब भी फ्री हो गए तब आप देख सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप आके अभी के अभी देख लीजिए, आप चाहे तो डाउनलोड करके आराम से देखिए और सीख जाइए। और इस वीडियो का मोटिव ये है कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊँ। और आपके आप आके नीचे कमेंट करके लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है और आप आके वीडियो में खो जाएंगे गाइस। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए गाइस। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं गाइस। हाय गाइस आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐप गीजर पे कैसे हम लोग ऐप बनाएंगे और मोनिटाइज कैसे करेंगे। एक थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, मैं पूरा का पूरा इसमें आपको दिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं गूगल पे। जाने के बाद हम पे ऐप गीजर लिख देते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हम पे आ गया और इसे आप क्लिक करोगे, देखिए लोड हो रहा है। लगता है कि मेरा नेट का स्पीड थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, उस कारण से देखिए लोड होने में टाइम हो रहा है। चलिए वेट करते हैं जब तक ये लोड होता है, और ये ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे गूगल सर्च में दिखा रहा है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो आपको क्रोम का ब्राउज़र मिलता है वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। सबसे पहली बात गाइस आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। मेरा इसमें ऑप्शन दिखा रहा है लॉग आउट, क्योंकि मैं पहले से साइन इन हो गया हूँ मेरे जो ये जीमेल अकाउंट है उससे। आप चाहो तो डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं आके स्टार्ट नाउ या फिर क्रिएट नाउ फॉर ऐप करके डालेंगे। ओके, मैं आपको पूरा का पूरा ऐप बनाना सिखाऊंगा और फिर डायरेक्टली मैं इसमें ही आपको कैसे पब्लिश करते हैं वो भी दिखा दूंगा। ओके, तो आप थोड़ा बहुत सब्र रख के इस वीडियो को देखिए। ओके, आप चाहो तो इसे ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और ये देखिए यूट्यूब का एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका। और चाहो तो आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, नीचे प्ले स्टोर में उसका लिंक भी दिया जाएगा। ये देखिए लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं गाइस। क्या आपने वो गूगल कंसोल कैसे हम लोग परचेस करते हैं वो देखा है वीडियो गाइस? तो आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लीजिए और सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग आके गूगल प्ले कंसोल का एक अकाउंट खरीदेंगे। हैं कि पूछ रहा है कि टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन करके, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे पूछ रहा है यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब प्ले लिस्ट। मुझे तो यूट्यूब चैनल का चाहिए था, तो मैं यूट्यूब में जाता हूँ, यूट्यूब थोड़े मैं इसके आगे डाल देता हूँ 2 मिनट। फॉरवर्ड सीन, ये देखिए ये मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम आ गया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐप गीजर का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। देखिए लोड बहुत ही बड़ा गया यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको पेस्ट कर देना है अपना चैनल का नाम, मैंने डाल दिया। यहाँ पे बोल रहा है स्प्लिट चैनल यस इनटू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट ठीक है, प्लेलिस्ट भी चाहिए गई तुमने, अच्छा दिखेगा लुक वाइज। उनसे क्या पूछ रहे हैं, इनवैलिड चैनल यूआरएल, इट लुक्स लाइक ऐसा कुछ। ठीक है, इन लोगों को ये वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा जो चैनल है वो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं सर्च बार पे और यहाँ पे टाइप करते हैं हमारा जो कोई भी चैनल का नाम है वो। 2 मिनट गाइस, यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम आ गया, मैं यहाँ से लोड होके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, अब मैं जाता हूँ। देखिए ये जो URL है ना ये चाहिए उन्हें, मेरा जो डेडिकेटेड URL है वो नहीं चाहिए, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। हो गया, अब चलिए देखते क्या होता है। देखिए आ चुका है, यहाँ पे मेरा YouTube चैनल का नाम है
सागर इन्फ्लुएंस तुम लोग लिख लेते। देखिए हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूछ रहा है क्या देना चाहते हो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कुछ। यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट पे ऊपर टैप करेंगे। यहाँ पे पूछ रहे डिफॉल्ट आइकॉन आपको चाहिए क्या, मुझे नीचे मेरे पास मेरा खुद का आइकॉन है, मतलब मेरा जो यूआरएल मतलब मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसका लोगो है मेरे पास, तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा मेरा पुराना वाला, वो जो वीडियो है आप आके चाहो तो ये स्क्रिप्ट कर सकते हो पार्ट को और डायरेक्टली जाके देख सकते हो कि कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग में आपको 512x512 का ये चाहिए इमेज, मेरे पास पहले से ही है। यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, देखिए जूम करके जूम आउट कर सकते हो, ये से बोलते क्रॉप, आपको यहाँ से वहाँ से कुछ भी क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्टली एक स्क्वायर आपको क्रॉप करना है। तो हो गया, अब हमें जाना है। हम पे जाने के बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखिए ऐसा कुछ हो गया, हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन बिल्ड हो गया। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर टैप करेंगे। क्रिएट के ऊपर टैप करने के बाद ये देखिए लोड हो रहा है, 2 मिनट रुकिए, लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद मैं अपने मोबाइल में कुछ देर के लिए यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आके आपको फीडबैक दूंगा कि इसमें कैसा आपको ये मिलेगा फीचर। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड करके। डाउनलोड का ऑप्शन मैंने पहले से आपको सिखा दिया था मेरे पुराने वाले वीडियो में कि कैसे आपको डाउनलोड करना है अपना एप्लीकेशन को, तो मैं इस वाले वीडियो में इतना कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो रुके गए इसमें जाके देख के आता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसा बना है, उसके बाद हम लोग एड्स वगैरह वगैरह डालेंगे। तो गाइस मैंने इस्तेमाल कर लिया है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन बिल्कुल सही बना है और एप्लीकेशन में जो प्लेलिस्ट है उसके तरीके से आपको ऐप दिखेगा, मतलब आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि एप्लीकेशन कैसा बना है। तो हो गया हमारा एक काम, अब बारी आती है इसे पब्लिश करने की। तो हमें नीचे जाना है, चलिए मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर जाते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, तो इधर कुछ और टैब्स ओपन करके रखते काम आएगा। हो गया, ये देखिए हमारा यूट्यूब सब कुछ हो गया। अब हम लोग इसे पब्लिश करेंगे, तो ये रहा पब्लिश का जगह। पब्लिश के एरिया में आप जाके टैप कीजिए इधर, और लोड हो रहा है 2 मिनट। लोड होने के बाद आई ऑलरेडी पब्लिश का जगह है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, छेड़छाड़ जाने। यहाँ पे पब्लिश के ऊपर टैप करोगे तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एंड्रॉयड दिख रहा है। पब्लिश योर रिसोर्स टू गूगल प्ले स्टोर, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाई स्टेप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिश में जाते हैं। पब्लिश में जाने के बाद ये आ गया है यहाँ पे, तो अब हम लोग आके यहाँ पे टैप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर। आपको इसका एक AI डाउनलोड करना है, मतलब APK, ऐसे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपको परेशानी ना हो। तो डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड के ऊपर टैप करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आप डरिए मत कि ये कोई दूसरे पेज को लोड हो रहा है, नहीं गई नीचे टैप कीजिए, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, सही टैप कीजिए इसके ऊपर, देखिए एक नया विंडो ओपन हो रहा है, मैं इसे यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। देखिए ऊपर देखेगा इस पे एप्लीकेशन का नाम देखेगा, यहाँ पे एक मॉड्यूल, उसके बाद इन्फ्लुएंस, मतलब जिधर पे आप आके स्पेस दिए हो उसके बीच में आपको एक मॉड्यूल दिखाई देगा, उसके बाद जो APK का फाइल नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सही। तो हो गया, तो उसके बाद आके ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पता ही चल गया होगा, आपको कोई भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। यहाँ पे बोल रहा है पब्लिश ऐप ऑन गूगल टू सेव इट करके बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको जाना है पब्लिश के ऊपर ही आपको जाना है। कथा रुकिए गए, डैशबोर्ड लोड नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है इसका। डैशबोर्ड के ऊपर टैप करेंगे,
डैशबोर्ड के ऊपर टाइप करने के बाद देखिए लोड हो रहा है, सेम पेज दिखा रहा है, आपको नीचे जाना है। ये देखिए यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर का हाउ टू पब्लिश, वॉच हाउ टू पब्लिश वीडियो करके दिखा रहा है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप आके शेयर कर सकते हो, मैं आपको दोनों का भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पब्लिश के ऊपर टैप करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक एक स्टेप दिखा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास आइकॉन है, अब हमें ये एप्लीकेशन का ये चाहिए, मतलब जो कोई भी स्क्रीनशॉट सबको चाहिए ना, वो सब हम से लेना है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल प्ले कंसोल पे जाते हैं, तो टाइप करते हैं गूगल प्ले कंसोल, टैप करने के बाद ये देखिए लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे चाहिए जाके गूगल प्ले कंसोल के ऊपर टैप कीजिए, पब्लिश के ऊपर जा रहा है। मेरे पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं कैसे खरीदने वाला हूँ, पूरा इन डिटेल में मैंने आपको सिखाया था, तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए और आपको सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए पब्लिश एन एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले करके बोल रहा है, तो इसे टाइप करेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है टाइटल क्या है एप्लीकेशन का, तो टाइटल सही है, यहाँ पे हम लोग हमारा एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं, सागर इन अगर इन्फ्लुएंस हो गया। क्रिएट के ऊपर टैप करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हो गया काम। यहाँ पे बोल रहे हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको बताता हूँ। हो गया गाइस, देखिए आपने देख लिया होगा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और आके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे लिखा है। अब आके यहाँ पे इमेज डाल देते हैं, मतलब लोगो जो कि यहाँ पे देखिए 512x512 का है, जो कि यही इमेज है जो कि हम लोगों ने ऐप गीजर के एप्लीकेशन के उधर हम लोगों ने डाला। 2 मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है, यू नीड टू रिसाइज योर हाई रेजोल्यूशन आइकॉन इन द डायमेंशन ऑफ 5x5। तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं वो भी, मेरे पास दूसरा इमेज है। तो इस यहाँ पे बोल रहे 512x500 का एक आइकॉन चाहिए, तो मेरे पास फिलहाल इमेज नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहे कि आपको स्क्रीनशॉट्स भी चाहिए, मैं सब कुछ एक जगह से प्रिपेयर करके दे दूँगा, आप भी देख लीजिए। यहाँ पे उसका कितना लेंथ चाहिए, लेंथ आके 320 पिक्सल्स × 3840 पिक्सल्स का होना चाहिए, मिनिमम 2 स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कैनवा नाम का एक अच्छा सा ये है वेबसाइट जहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, canva.com। देखिए लोड हो रहा है, जब तक लोड हो रहा है हम लोग वेट करते। ये देखिए लोड हो रहा है होम पेज और ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाइए कस्टम डायमेंशन, विड्थ कितने का होगा पहले हम लोग हमारा ये कर लेते हैं आइकॉन का साइज। यहाँ पे आप अगर टाइप करोगे लोगो तो लोगो सही नहीं है, तो हमें इधर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लोगो के 500 का है, तो हम लोगों को 512
टू 512 का चाहिए, तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर टैप करेंगे। ये देखिए लोड हो रहा है, और ये लोड हो रहा है, इंतज़ार करते हैं। अरे लोड हो चुका है, अब हमें अपलोड करना है हमारा वो इमेज। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे टैप करेंगे और ये देखिए अपलोड हो रहा है 2 मिनट। और यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर से आपको लेना है इमेज। ये इमेज हमें चाहिए था, टैप कर रहा हूँ। टैप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे है वो इमेज, इसे हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पे और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आपको अपने हिसाब से इसे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका एक एप्लीकेशन भी आता है गाइस, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बड़ा ही कमाल का है गाइस। आपके पास अगर लैपटॉप ना हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है 2 मिनट। वैसे मैं बोल दूँ कि ये सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, मैं कोई भी पैसे नहीं दे रहा हूँ। बाद में आप बोलोगे कि ये तो पैसे लेने की बात होता है। हो गया एक इमेज, अब बारी आती है स्क्रीनशॉट की। तो मैं स्क्रीनशॉट का इमेज सेम वैसे बनाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं पे, 8 स्क्रीनशॉट आप मैक्सिमम डाल सकते हो, मिनिमम 2। तो इसका पिक्सल होगा 320, तो 320 डाल देते हैं। और इसका दूसरा पिक्सल होगा 3840, तो ये रहा 3840। इस पर चेक कर लेते हैं, हाँ 3840। अब हमें जाना है क्रिएट डिज़ाइन पे, टैप करोगे तो देखिए लोड हो रहा है। आप चाहो तो पिक्सल लैब आपके पास है तो भी आप कर सकते हो। लगता है कि इमेज बहुत ही छोटा हो चुका है, मैं एक और पर चेक कर लेता हूँ। तो आपको एक फीचर ग्राफ भी चाहिए जो कि होगा 1024x500 का। तो हम लोग पहले आके इसका ये देख लेते हैं, फोन का जो स्क्रीनशॉट है उसका कितना है पिक्सल्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने इमेज आके लोड कर लिया है, मतलब अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है, मतलब इम्पोर्ट कर लिया है। चलिए हम लोग अब जाके इमेज सब कुछ डाल लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने एक आइकॉन को बनाया, तो आप भी वैसे ही बना सकते हो चाहो तो। और नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते देखते कि कहाँ पे है वो आइकॉन, किधर गया। ये रहा देखिए यहाँ पे 512x512 है। ये देखिए लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं और फिर कैसा लगता है देखते हैं। ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है क्योंकि अपलोड हो रहा है ना। ओके अपलोड सक्सेसफुल। ये देखिए लोड होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन का लोगो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हो गया काम, अब बोल रहे कि स्क्रीनशॉट चाहिए। मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट है, आप आके 2 भी डाल सकते हो कोई बात नहीं, और मैक्सिमम आके आप 8 स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। तो मैं 3 के 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 सही, और ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर से एडिट कर लेंगे, कोई बात नहीं। लोड हो रहा है, होने देते हैं क्योंकि 3 इमेज है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम तो ले गई। चलिए वेट करते हैं और फिर क्या है नीचे मैं आपको और बता देता हूँ कि क्या क्या है जब तक कि लोड हो रहा है। 1 हो गया, दूसरा हो रहा है। ये देखिए गाइस ये इम्पोर्टेंट, जहाँ पे भी आपको ब्लू मार्क दिखता है ना तो समझ लीजिए ये इम्पोर्टेंट है। हमारा 3 के 3 इमेज आ चुका है ऊपर, तो अब हम लोग ये बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1024 है और 500 है जो कि इसका हाइट देते इतना होगा, तो हम लोग डाल लेते हैं 1024 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 500। तो यहाँ पे 500 डाल देते हैं और हो गया। देखिए क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करके बोल रहा है। अब बात आती है कि ये क्या है। आप अगर अपने एप्लीकेशन को, मतलब आपके एप्लीकेशन को किसी ने टीवी में ओपन किया, आपको पता है आजकल टीवी में भी सपोर्ट आ चुका है,
तो किसी ने इमेज ओपन किया तो क्या करना है, उनको इमेज क्या दिखेगा, तो ये ऐसा कुछ इमेज दिखेगा। रुकिए तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इमेज अच्छा है। यहाँ पे आपको फ्री में टेम्पलेट भी मिलता है, आप चाहो तो ले सकते हो। देखिए कितना अच्छा अच्छा इमेजेस है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेना है नहीं। तो मुझे लगता है ये वाला बेटर है और इसे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद देखिए लोग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, हो गया ऑली वन स्टोर है। देखिए हो गया, आप यहाँ पे अपना मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ऑरेंज कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, और जो नीचे का है इसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं, अच्छा लगेगा ब्लैक। ओके तो ब्लैक कहाँ पे है, इधर ब्लैक तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो देखते कौन सा दूसरा कलर इसे मैच हो रहा है। येलो बहुत अच्छा है, आप इसे भी चेंज कर सकते हो, हर एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर जो है वही आप लेके फिरो, आप चाहो तो दूसरा भी लगा सकते हो। देखिए अच्छा हो गया, अब हम लोग चलिए इसे ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए कमाल का लग रहा है। अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि आपने सीख ही लिया होगा कि कैसे हम लोग आके इसे एडिट करते हैं इमेज को। आप यहाँ से अच्छा अच्छा इमेज बना सकते हो अपने खुद के कंपनी, आप अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो यूट्यूब के थंबनेल भी यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद ऐड अ फीचर ग्राफिक के ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये ओपन हो गया, हमारा जो इमेज है वो भी डाउनलोड हो चुका है। कहाँ पे आप ढूंढ लेते, ये देखिए यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसका इमेज हम लोगों ने सही डाला था। आपको कोई दूसरा इमेज बनाना है तो सेम उसी प्रकार का आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स, मैं और कुछ भी नहीं करने वाला होगा इस, क्योंकि यहाँ पे जो जो ब्लू मार्क है देखिए यहाँ पे ब्लू है तो मैंने वो सबको फिल कर दिया है, आइकॉन भी एक ब्लू मार्क है तो मैंने फिल कर दिया। अब बारी आती है कि आपका कि आपको क्या करना है, आप अपना डिज़ाइन खुद ब खुद यूज़ कर सकते हो अपना क्रिएटिविटी डाल के। अब बोल रहा है कि कैटेगरी हमारा एप्लीकेशन का कैटेगरी गेम्स है, एप्लीकेशन कैटेगरी है वीडियो का, देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन है, बहुत कुछ है गाइस यहाँ पे ऑप्शन, आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं वीडियो प्लेयर एंड एडिटिंग, मुझे ये एडिटिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग देखते हैं दूसरा। एजुकेशन देख लेते हैं, एजुकेशन ये रहा एजुकेशन, हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी। ये देखिए कंटेंट रेटिंग भी देना पड़ेगा यहाँ पे, आप चाहो तो अपना वेबसाइट दे सकते हो, मेरे पास ये वेबसाइट दो या ना दो वही सोच रहा हूँ, चलिए दे देते हैं वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे जाने के बाद मेरा एक वेबसाइट है, आप चाहो तो अपना वेबसाइट भी बना सकते हो। वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने डाल दिया फ्री वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हो मेरा चैनल पे। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को मुझे डालना है यहाँ पे, देखिए आ गया, और ईमेल एड्रेस खोल रहे हैं, मेरे पास अपना एक वर्किंग ईमेल एड्रेस है तो मैं उसे डाल दूंगा। रुकिए हो गया, आप चाहते हैं पे फोन नंबर दे सकते हो अपना मर्जी, नहीं कि यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस वही देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया है। देखिए नीचे लिखा है प्लीज प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस वेयर यू मे बी कंटेंट, दिस एड्रेस विल बी पब्लिकली डिस्प्ले विथ योर ऐप, मतलब हमें चेंज नहीं करना है, सेम रखने देते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइवेसी पॉलिसी, तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी तो डालना ही पड़ेगा, बिना प्राइवेसी पॉलिसी के आप अगर डालने जाओगे एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा गाइस, विदिन अ सेकेंड्स आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा। पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी दबा के, दूसरे टैब पर आता हूँ कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। आगे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
प्राइवेसी एक अंडरस्कोर पॉलिसी डाल के देखते हैं। इनका खुद का एक होगा गाइस, आपको उसी को कॉपी करके पेस्ट करना है। ये देखिए पेज नॉट फाउंड। चलिए देखते इसका प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पे है, नीचे जरूर होना चाहिए था। यहाँ पे तो वो रहा है, ये देखिए नीचे है, सबसे नीचे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी टैप करते हैं। ये देखिए हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, किसी को ही हमें डालना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, मतलब जो है प्ले स्टोर का ये है उसमें कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं, कंट्रोल वी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसी के साथ बनाया था तो इसका ही मदद लेंगे, थोड़ा किसी और का। ये आप कभी भी अपना खुद का ये मत दीजिएगा। तो हो गया देखिए स्टोर लिस्टिंग हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं कंटेंट रेटिंग, देखिए कंटेंट रेटिंग, ये रहा कंटेंट रेटिंग। मुझे लगता है कंटेंट रेटिंग बाद में आता है, चलिए देख लेते एक बार क्या है प्रॉब्लम। तो कंटेंट रेटिंग नहीं है। ऐप रिलीज पे जाते देखते हैं, ऐप रिलीज में ज़रूर मिलेगा। ऐप रिलीज में जाने के बाद देख लेते हैं पे, यहाँ पे प्रोडक्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के ऊपर टैप करोगे तो देखिए ऐसा कुछ इमेज दिखेगा। फिर क्रिएट रिलीज के ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और ये देखिए आप चाहो तो इसे ऑप्ट आउट कर दे सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आके रुके एक बार पढ़ लेते उसके बाद देखते प्रोवाइड। अगर हम लोग करते तो थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि गूगल हमारा जो साइन इन की है उसे देख के रखेगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हो गया। अब हमें एंड्रॉयड को डालना पड़ेगा जो कुछ भी हम लोगों ने डाउनलोड किया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। देखिए ब्रोज फाइल पे जा रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। ये देखिए आ चुका है यहाँ पे, देखिए ये रहा हमारा एप्लीकेशन। डबल टैप करके इसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिलता है कि कितना परसेंट आपका जो एप्लीकेशन है वो लोड हुआ है, मतलब अपलोड हुआ है उनके सर्वर में, 3%। चलिए वेट करते हैं। उसके बाद देखिए ऐप रिलीज नेम, यहाँ पे 0.1% होगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रिव्यू करना है। चलिए वेट करते जब तक ये आके लोड होता है। गाइस तब तक हम लोग हमारा जो एप्लीकेशन का ये है एड मॉब आईडी वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे ओपन करके रखते हैं। नहीं गाइस वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इसे जब तक लोड होता है, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे रैंक होता है, तो कुछ टाइम लगता है। तो देखिए हमारा एपीके सब कुछ हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो सबमिट करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद सेव कर रहे हो, सेव के ऊपर टैप करेंगे। सेव के ऊपर टैप करने के बाद देखिए हो गया ऐप रिलीज, टिक मार्क हो गया ना। अब आके आप रिव्यू करना चाहते हो तो रिव्यू के ऊपर टैप कर सकते हो। वार्निंग दिखा रहा है, आप डरिए मत कि कुछ वार्निंग ये वो दिखा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। चाहिए यहाँ पे कंटेंट रेटिंग पे जाते हैं। ये देखिए कंटेंट रेटिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर टैप करोगे तो देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे सेम पेस्ट करना है। करने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन आता है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस एंड न्यूज एजुकेशन या फिर कोई दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन है, गेमिंग है, कंटेंट अग्रेशन, जो कुछ भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा है
कम्युनिकेशन और अदर देख लेते एक बार, व्हाट्सएप है, उसके बाद कैलकुलेटर सेशन एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मेरा वाला मैं यहाँ की ये सेलेक्ट करो, आप देख लीजिए आपका कौन सा एप्लीकेशन है। कैन दी ऐप कंटेंट वायलेशन मटेरियल, नहीं हमारा एप्लीकेशन में कोई वायलेशन मटेरियल नहीं है। ये क्या सेक्शुअल पूछ रहा है, नहीं। लैंग्वेज, कैन दी ऐप कंटेंट एनी पोटेंशियल ऑफेंसिव लैंग्वेज, नहीं कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज होता है क्या, नहीं कुछ नहीं चल दिया। यहाँ पे देखिए कंट्रोल्ड सब्सटेंस, नो सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स हो चुका है वो कुछ भी कंटेंट कर रहा है क्या, मतलब बेच रहे हो क्या वो पूछ रहे हैं, नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिसलीडियस, नहीं है, इसमें डिजिटल गुड्स भी सेल नहीं करते हम लोग, तो देख लेते एक बार। उतने गाइस, उसके बाद आपको सेव क्वेश्चंस पे जाना है। सेव क्वेश्चंस पे जाने के बाद देखिए योर आंसर क्वेश्चन हैव बीन सेव्ड करके बोल रहा है, आप आपको कंटेंट रेटिंग मिल जाएगा। कैलकुलेट कंटेंट रेटिंग पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद देखिए ये रहा आपका कंटेंट रेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई रेटिंग करके ऊपर टैप करोगे, इसके बाद देखिए लोड हो रहा है और हमारा कंटेंट रेटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब ऐप कंटेंट के ऊपर जाना है, ये बिल्कुल नया है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, देखते प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाना है आपको। यहाँ पे ये सब कुछ फ्री का है तो आपको नीचे जाना है और जहाँ पे अनअवेलेबल है उसे अवेलेबल कर दीजिए। अवेलेबल करने के बाद नीचे जाइए, कंटेंट्स एड्स, यस इट हैज एड्स करके आप टैप करोगे। उसके बाद देखिए डिवाइस कैटेगरी एंड्रॉयड है, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी टैप नहीं करना पड़ेगा। नीचे आइए, कंटेंट्स गाइडलाइन, यूज यूएस एक्सपोर्ट लॉ, यहाँ पे आपको टैप करना है। मार्केटिंग ऑप्ट आउट, डोंट प्रमोट माई एप्लीकेशन एक्सेप्ट इन गूगल प्ले स्टोर एंड इन दी गूगल ओन्ड ऑनलाइन। उतना करना करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट करना है, यहाँ पे कहीं पे भी टिक मार्क मत कीजिए। देखिए जहाँ पे ब्लू है वो एम पे आपको टिक मार्क करना है। हो गया हमारा प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप कहीं पे भी कुछ भी मत कीजिए, बाद में आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर ऐप कंटेंट पे जाइए, जाने के बाद देखिए ओपन हो चुके स्टार्ट का बटन, तब बाकी ये दिखा रहा था कि वहाँ पे बटन ही नहीं है। अब जब हम लोगों ने प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया तब दिखा रहा है कि है। यहाँ पे देखिए व्हाट आर द टारगेटेड एज ग्रुप ऑफ योर ऐप, यहाँ पे आपके ऐप का टारगेटेड ग्रुप दिखा सकते हो, आप इन सबको टिक मार्क कर दीजिएगा। इस यहाँ पे जब तक आप आपके ऐप कंटेंट के ऊपर टैप नहीं करोगे तब तक कई लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे, यू आर डिक्लेयरिंग दैट योर टारगेटेड एज ग्रुप इंक्लूड्स चिल्ड्रन अंडर 13, ओके हो गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऐप एक्सेस, फंक्शन इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस करके दे देते हैं। आपको एक बार देखना है कि आपका एप्लीकेशन किसके ऊपर बना, उसके बाद कीजिए। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, हमें पासवर्ड कुछ भी नहीं लगता है तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ देखिए आई के पी आई आई है, डज योर एप्लीकेशन कलेक्ट्स एनी पी आई आई, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है गाइस, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे देखिए एड्स के बारे में पूछ रहे हैं, आर ऑल द एड्स इन योर ऐप सूटेबल फॉर चाइल्ड एंड फ्रॉम गूगल प्ले सर्टिफाइड एड नेटवर्क, हम लोग एड मोब यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली येस होगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, आपको पता होगा कि एड मोब के एडसेंस का ये है,
मतलब गूगल के प्रोडक्ट है। ये देखिए डिजाइन फॉर फैमिलीज, जॉइन द डिजाइन फॉर फैमिलीज प्रोग्राम। इसके ऊपर टैप कीजिए, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद ये बोल रहे, ये फैमिली रिलेटेड कंटेंट है गाइस। यहाँ पे हम लोग कोई भी येरा गेरा कंटेंट नहीं डालेंगे, मेरा खुद का कंटेंट है जो कि पूरे लोग देख सकते हैं। एजुकेशन का है तो एजुकेशन के ऊपर टैप करेंगे, नेक्स्ट डालेंगे, फिर देख लेते हैं। ये रहा, ये सब कुछ हमारा डिटेल यहाँ पे आ गया। सबमिट करने के बाद देखिए समरी रेडी हो रहा है और ये हो चुका है कंप्लीट, सब कुछ हो गया। अब हम लोग ऐप रिलीज़ करने जाएंगे तो डेफिनेटली ऐप रिलीज़ होगा। देखिए ऐप रिलीज़ पे जाते हैं, जाने के बाद देख लेते एक बार। ये देखिए यहाँ पे मैनेज प्रोडक्शन पे चाहिए। अब मैनेज प्रोडक्शन के बाद देखिए यहाँ पे रोल आउट का ऑप्शन ज़रूर दिखेगा। आप अगर हाफ कंप्लीट करते हो तो ये लोग आपको इतना ये नहीं देते, मतलब आपको जाने नहीं देते, आपको सब कुछ फिल करना पड़ेगा उसके बाद ही। मुझे लगता है ये जो ऐप कंटेंट है ये नया आया है और ये दो चार महीने पहले ये सब नहीं था गाइस, अभी नया नया आ गया है। देखिए यहाँ एडिट रिलीज के ऊपर टैप कीजिए। एडिट रिलीज के ऊपर टैप करने के बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पे डिटेल सब कुछ आ गया। एक बार रिव्यू के ऊपर टैप करोगे तो ये आपका रिव्यू करने के बाद रोल आउट का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे। ये देखिए रोल आउट मतलब ऐप को छोड़ दो गूगल प्ले स्टोर में, स्टार्ट रोल आउट, यहाँ पे कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता ही चल गया होगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन को पब्लिश करना है। और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया और आपको इतना मूड नहीं आ रहा होगा, तो आप आके थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। मैं दूसरे वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे एड्स लगाना पड़ता है इसमें, ओके। और आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को मिला ही होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।